दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे मेरठ का सबसे बड़ा हलवा पराठा कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं भैया जी से बात करते हैं कि यहाँ पे ये इतनी अमेजिंग तरीके से इतना बड़ा पराठा बना रहे हैं वो किस तरीके से बन रहा है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। सबसे पहले भैया जी आप अपना नाम बताइए। आस मोहम्मद। अच्छा, तो आज आप क्या बना रहे हैं मेरे को ये बता दीजिए। हलवा पराठा बना रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, ये क्या चीज होती है? ये हलवा पराठा है जी, नचंदी का। अच्छा, मेरठ की जो है फेमस चीज है। फेमस चीज। अच्छा, बहुत बड़ा। तो ऐसा करिए, बना के दिखाइए किस तरीके से बनता है। ये रिफाइंड है जी। अच्छा, और ये इतना बड़ा आपका जो है इसको क्या बोलते हैं? बन रहा है जी। और ये आपका जो है जो डो बना हुआ है ये? अच्छा, मैदा है जी। अच्छा, जो प्योर मैदा होती है? प्योर मैदा। अच्छा, ये इसमें वजन कितना होगा अभी? मैदा की है ये। अच्छा अच्छा, इसमें वजन कितना होगा अभी मैदा? ये 600 ग्राम। अच्छा, 600 ग्राम का इतना बड़ा पराठा बनता है। बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगता है आपको बनाने में इसको? 5 मिनट। 5 मिनट लगती है? बहुत बढ़िया। ऐसे हाथों से करते हैं या फिर इसको बेलन? बेलन हाथ से। बेलन से क्यों नहीं करते इसको? हाथ से बनता है जी। अच्छा अच्छा, ऐसी पीट पीट के हाथों से बनता है। तो आपको भी ये बनाते हुए कितना टाइम हो गया? ये हो गया जी 15 साल। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भैया को बनाते हुए 15 साल हो गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है भैया को। ये देखिए इसको जो है किस तरीके से जो है धीरे धीरे करके बड़ा करा जा रहा है। तो ऐसे भैया ये फटता नहीं है जैसे आप इसको मार रहे हैं, फटता नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए इसको पूरे को फैला दिया गया है और कितने ही अमेजिंग तरीके से जो है इसको बिल्कुल गोल आकार दे दिया गया है। ये क्या चीज़ कर रहे हैं भैया आप? ये छेद कर रहे हैं जी इसमें। ये छेद क्यों करे जाते हैं? ये ताकि फूले ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे छेद करा जा रहा है ताकि जो है इससे करारापन आएगा। अच्छा, करारापन इसी से आएगा ताकि जो हमारा पराठा है वो फूल ना जाए और जो है इसमें करारापन आए और उसका जो स्वाद जो है बरकरार रहे। बहुत बढ़िया। तो आप इसको क्या करेंगे, अब डालेंगे इसको इसमें तेल में? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, डाल के दिखाइए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो है बड़ी सी कढ़ाई रख रखी है जिसमें कि इन्होंने तेल रखा है और ये देखिए इसमें जो है पराठा जाने वाला है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितना ही ज़्यादा मतलब खतरनाक। ऐसा भैया हाथ वाथ नहीं जल जाता आपका तेल से? नहीं जी। बहुत बढ़िया। तो मतलब प्रैक्टिस हो रखी है आपको काफ़ी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इसको तेल में सीखने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट में जो है हमारा पराठा बिल्कुल जो है तैयार होकर आ जाएगा बाहर। तो भैया जी हम तो अपने घरों पर जो है छोटी सी रोटी खाते हैं फिर पूरी खाते हैं, आपने इतना बड़ा पराठा कैसे कहाँ से सीखा बनाना और कैसे दिमाग में आया कि इतना बड़ा पराठा बनाना चाहिए? यहीं से सीखा जी, इन होटल पे सही। अच्छा अच्छा, यहीं से जो है इन्होंने भैया ने जो है ये पराठा बनाना सीखा। और जो है मतलब इसको छोटे आकार में क्यों नहीं बनाते, इतना बड़ा क्यों? ये बड़ा पराठा बनाते हैं हलवे के आगे मेरे भरा है ना नुसंदे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बनके तैयार हो गया है और जो है इसमें कलर आ चुका है बिल्कुल जो है काला और गोल्डन ब्राउन था, इसमें थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है। ये देखिए इसमें जो है बनके तैयार हो गया है, इसको जो है ये देखिए तेल इसमें से जो है धीरे धीरे करके निकल रहा है, कितना ही अमेजिंग लग रहा है देखने में, बहुत ही बढ़िया। तो आपने बताया इसको हलवे के साथ दिया जाता है? हाँ जी। बहुत बढ़िया, आपको खिला के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो हम जो है इसको खाएंगे ज़रूर और आपको बताएंगे कि इसका जो है कैसा स्वाद है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्पी सा हमारा पराठा जो है बाहर निकल के आ चुका है, देखने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। ये कितने रुपये के हिसाब से बिकता है, कितना प्राइस होता है इसका? इसका है 35 रुपये पाव। 35 रुपये पाव, उसके साथ में आप जो है ये पराठा देते हैं? पराठा भी देते हैं। तो आप ऐसा करिए हमारे लिए एक जो है प्लेट लगा दीजिए, हम जो है खा के इसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जो है पराठा जो है इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है और उसमें ये कुछ इस तरीके से हलवा लगाया जाता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अमेजिंग। और ये देखिए उसमें जो है ड्राई फ्रूट और ये जो है चेरी लगा दी गई और कितना ही अमेजिंग लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों तनु जी हैं हमारे साथ जो कि है हलवा पराठा हमारा टेस्ट करके बताएंगे वो किस तरीके का बना हुआ है। तो तनु जी बताइए किस तरीके का इसका स्वाद, कैसा लग रहा है? एक सेकंड। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा हलवा पराठा, ये देखिए कितना ही क्रिस्पी मतलब हो चुका है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं हलवा ले लेता हूँ। हाँ, ये देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसा हलवा लगाया जाता है और इसको फिर खाया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे तनु जी? ये पराठा काफ़ी क्रिस्पी है। अच्छा अच्छा, मज़ा आ गया खा के। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप आ सकते हैं, जैसे तनु जी ने पास कर दिया है तो यहाँ पे आके जो है आप भी हलवा पराठा का मज़ा ले सकते हो। रहा है हाँ जी, हलवा भी बहुत टेस्टी है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि तनु जी ने बताया हलवा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। भैया जी हमें तो आपका पराठा खा का मज़ा आ गया, अब आप ये बताइए किसी और को भी आपके पराठे का मज़ा लेना हो हलवे पराठे का तो वो कहाँ सकता है? अपना एड्रेस और अपनी टाइमिंग बता दो। आप रोड? अच्छा, तिरंगे के सामने। अच्छा अच्छा, स्टैंड बैंक कॉलोनी के बराबर में। अच्छा, मेरठ में? मेरठ। दोस्तों जैसे कि भैया ने बताया एड्रेस ये रहा। अच्छा, यहाँ पे इनका जो है एड्रेस लिखा है, आप देख सकते हैं इनका बोर्ड लगा हुआ है। और जैसे कि भैया ने बताया अगर आपको इनके हलवे पराठे का मज़ा लेना है तो आप इस एड्रेस पर आके जो है इनके हलवे पराठे का मज़ा ले सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, आपको इस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।